इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से। शिक्षा के मंदिर में लापरवाही बरत रहे शिक्षकों पर हुई बड़ी कार्रवाई। मुख्य विकास अधिकारी ए मानिक नंदन की बड़ी कार्रवाई। दरअसल सीडीओ की कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल में समय से नहीं पहुंचने पर अनुपस्थित रहने वाले 1000 शिक्षकों का रोक दिया गया एक दिन का वेतन। इस कार्रवाई के बावजूद भी मनमानी कर रहे 15 शिक्षकों के खिलाफ डिसमिस करने का भी हो रही है तैयारी। सीडीओ सख्त, अब नहीं चलेगा शिक्षकों की मनमानी। सेवा की अनियमितता बरतने पर निश्चित रूप से शिक्षकों को झेलनी पड़ेगी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां शिक्षा के मंदिर में लापरवाही बरत रहे शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य विकास अधिकारी ने 1000 शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोक दिया है। इस कार्रवाई के बावजूद भी 15 शिक्षक मनमानी कर रहे थे, जिन पर डिसमिस करने के लिए तैयारी है। वहीं सीडीओ सख्त हैं, अब नहीं चलेगा किसी भी शिक्षक की मनमानी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से मिल रही है, जहां शिक्षा के मंदिर पर लापरवाही बरत रहे शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उनका एक दिन का वेतन तकरीबन 1000 शिक्षकों का रोक दिया गया है। वहीं 15 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से मिल रही है। स्कूलों में अनियमितताएं बरत रहे शिक्षकों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? लास्ट फ्यू मंथ्स में हम लोग लगातार पीरियड के लिए अभियान चला रहा है। स्कूल का अटेंडेंस, सारा स्कूल का एक साथ अटेंडेंस वेरिफिकेशन, जो भी टीचर्स बिना परमिशन और बिना सोचना अगर छुट्टी लेते हैं, अभी तक मोर देन 1000 लोग के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुआ है। उन लोगों का हम तंका काटा है। एक दिन का तंका काटने वाला बहुत बड़ा पनिशमेंट है, क्योंकि उनका एक दिन का सीनियरिटी भी कट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा है। एंड कुछ लोग अगर लगातार 2-3 बार अगर इस तरह का फर्जी कराकर अगर फंसा हुआ है, उन लोग का डिसमिसल का भी हम लोग सरकारी नागरिक से हटाने के लिए भी हम लोग उनका वी आर स्टार्टिंग दी प्रोसेस। सो मैसेज यही है, कई टीचर्स, डेडिकेटेड टीचर्स आगरा में बच्चों को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ परसेंटेज हो सकता है, वेरी लेस परसेंटेज ऑफ टीचर्स लापरवाही से समय पर नहीं पहुँचते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं, मिड डे मील नहीं खिलाते हैं, इस तरह का तमाम इशू क्रिएट करते हैं, उन लोग के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक दो बार हम लोग उसका नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अगर उससे अगर सुधार नहीं होता है, हम बिल्कुल सर्विस से डिसमिस भी करेंगे। लगभग कितने टीचर हैं जिनके खिलाफ डिसमिस की कार्रवाई? डिसमिसल का अभी तक हर ब्लॉक में कम से कम 1 से 2 लोगों का, जो भी बड़े बदमाश हैं हमेशा नहीं आते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं, उन लोगों को हम लोग लिस्ट ले रहा है। उन लोगों के खिलाफ भी हम लोग नियमानुसार जो भी कानून है उसको फॉलो करते हुए उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें।